अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है कि बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है और फिर ये होती किस तरह है, इसमें कौन से रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, ये सब जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन को, क्योंकि सिंपल सी है कि रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजीज्ड डैमेज्ड और मिसिंग किडनी विद अ डोनर किडनी। यानी कि अगर एक किडनी है हमारे पास, या तो वो डिजीज्ड है या डैमेज है, तो उसको अगर हम किसी हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, और जो बंदा जो किडनी डोनेट करेगा, ठीक है, जिससे हम हेल्दी किडनी लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे, और उस किडनी को क्या कहेंगे, डोनर किडनी कहेंगे। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देख लें तो वो इसकी ये है कि अ सर्जरी डन टू रिप्लेस अ डिजीज्ड किडनी विद अ हेल्दी किडनी, ठीक है, फ्रॉम अ डोनर। वही चीज़ के हम एक डिजीज्ड किडनी को हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर लेते हैं, और वो किडनी किसकी होगी, डोनर की होगी, और ये प्रोसेस किसके ज़रिए होगा, एक सर्जरी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये किन लोगों को रेफ़र किया जाता है, यानी जो बिल्कुल एंड स्टेज रीनल फेलियर पे होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी किडनी जो है बस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो डायलिसिस से भी तंग आ चुके हैं, बार बार वो नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा किडनी जो है वो तो या तो लिविंग बंदे से भी ली जा सकती है, और या फिर कोई डिसीज्ड बंदा है, ठीक है, या जिस मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है तो उससे भी ली जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई और ऐसा बंदा हो गया जिसके साथ मतलब मैच बन जाता है, ठीक है, दोनों की किडनीज़ का मैच बन जाता है, तो फिर वो भी डोनेट कर सकता है, और फिर इस तरह की जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, अब एक पेशेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो विलिंग है, ठीक है, अब वो करवाना चाह रहा है, तो सबसे पहले अब ऐसे तो नहीं है कि किडनी उठा के बस दूसरे में डाल दी, नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनका पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो जो बंदा किडनी रिसीव कर रहा है उसकी बॉडी कोई ऐसा रिएक्शन शो ना करे, और उस डोनर की जो किडनी है वो अपने अंदर मतलब ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, वरना अगर मैच नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा कि वो किडनी जो है जो डोनेट की गई है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी वो रिसीव ही नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास डोनर है, और ये जो है हमारे पास क्या है, रिसिपिएंट है, यानी कि जो जिसको किडनी मिलेगी, जिसमें ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, ये वो बंदा है जो रिसीव कर रहा है किडनी को, और ये कौन सा है जो डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो टेस्ट किए जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले, वो क्या होते हैं कि दोनों डोनर और रिसिपिएंट दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो इसका ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप इसका भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास क्या है, जो टेस्ट किया जाता है वो ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन का किया जाता है, HLAs। ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स जो हमारे पास जो होते हैं ना, WBCs वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स में इनका काम होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में इनका टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों डोनर और रिसिपिएंट का जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये सेम होने चाहिए दोनों के। ठीक है, बेसिकली ये 6 इन नंबर होते हैं, तो अगर किसी मतलब डोनर और रिसिपिएंट के 6 के 6 एंटीजन्स मैच हो रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात हो गई, यानी कि फिर वो जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। लेकिन मिनिमम जो हमारे पास 3 सेम होने चाहिए किसी भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अगर इससे कम होंगे तो फिर वो जो है ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ट्रांसप्लांट सर्जन्स लाइक टू सी अ मैच ऑफ 3। वही बात कि अगर मतलब जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब मिनिमम अगर 3 भी सेम हैं तो फिर वो ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम है फिर नहीं करते, लेकिन अगर 4-5 हैं तो तब भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, 6 हैं तो बस फिर बिल्कुल सक्सेसफुल होगा ट्रांसप्लांट।
दूसरा जो हमारे पास क्या है कि जो ट्रांसप्लांट टीम होती है दे टेस्ट बाय मिक्सिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच एंड टेस्ट ट्यूब, यानी वो डोनर का भी ब्लड लेते हैं और वो रिसिपियंट का भी ब्लड लेते हैं और उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं मिक्स करते हैं, देखिए आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे, कोई क्लॉट्स नहीं बन रहे या इस तरह कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तभी जाके हमारे पास क्या होगा आगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। अब प्रोसीजर क्या है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कि सर्जन जो है वो एक इंसिजन करता है, एक कट लगाता है रिसिपियंट की बॉडी में, ठीक है। फिर क्या करता है कि जो डोनेटेड किडनी होती है उसको वो प्लेस कर लेता है और कहाँ पर, यानी कि लोअर एब्डोमेन में उस किडनी को फिट कर लेता है, ठीक है। जो डोनेटेड किडनी होती है उसके वेसल्स जो हैं वो लोअर एब्डोमेन ये जो वेसल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। यूरेटर जो है न्यू किडनी का वो ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है सो कुछ इस तरह इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो न्यू किडनी को अटैक ना कर ले, ठीक है। यानी इम्यून सिस्टम का क्या काम है कि बॉडी में अगर कोई बाहर से चीज़ आई है सो फिर वो उसके लिए इम्यूनिटी शो करता है, ठीक है, उसने यानी वाली चीज़ पे अटैक करता है, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अब इम्यूनिटी को तो नहीं पता कि ये बंदे के अपने फ़ायदे के लिए उसमें किडनी डाली गई है, ठीक है। सो वो ज़ाहरी बात है वो शो कर सकता है एक रिस्पॉन्स, तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, ताकि इम्यून सिस्टम कोई रिस्पॉन्स शो ना करे या अटैक ना करे न्यू किडनी को। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ इस रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो हो गई लेकिन इसके साथ ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क अटैच हैं, तो नंबर वन जो है वो ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गई उसके बाद उस जगह पर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो न्यू किडनी है वो ज़्यादा इंजरी के लिए एक्सपोज होती है, क्यों, क्योंकि वो रिब केज जो है वैसे हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसके अपर लोब को, लेकिन जो न्यू किडनी हम फिट करते हैं हम लोअर एब्डोमेन में करते हैं तो इसके लिए रिब केज की प्रोटेक्शन नहीं है इसके पास, तो इसलिए ये इसमें इंजरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। या तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ब्लॉकेज हो सकती है या फिर यूरिन की लीकेज हो सकती है या फिर जो यूरेटर है उसकी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। और या वो मेडिकेशंस जो कि किसी भी इन्फेक्शन वगैरह या रिजेक्शन वगैरह के लिए दी जाती हैं, ठीक है, कोई मेडिकेशंस तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो था हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।